हाँ जी शुरू करें। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे नोटिस भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी की 4 अप्रैल की एक शिकायत पर आधारित है। तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है, 5 अप्रैल को 11:15 पर सभी न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस भेजा। हर चैनल पे ये न्यूज चलने के बाद 11:15 पर ये न्यूज टीवी पर चलती है और उसके आधा घंटा बाद 11:45 पर मुझे एक्चुअली नोटिस मिलता है, नोटिस मुझे ईमेल किया जाता है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है। आज मैं इस देश की इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन बन गए हैं? जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक ऑपोजिशन के प्रमुख चेहरे, देश की 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ईडी को नोटिस भेजती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश की एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीआई सीपीएम को बरसों पुरानी उनकी फाइलिंग के बारे में, उनकी रिटर्न्स के बारे में चुनाव की घोषणा के बाद नोटिस भेजती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आंखों के सामने केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुलेआम मिसयूज कर रही है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल देती है, होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी पुलिस बदल देती है, लेकिन जब विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि चुनाव तक इंटरिम तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीआई ईडी के डायरेक्टर्स को बदला जाए, तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। चुनाव की घोषणा के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता गुलाब सिंह के घर पर रेड करती है, आम आदमी पार्टी उसकी शिकायत करती है, आम आदमी पार्टी मिलने का टाइम मांगती है, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन 23 मार्च को हमने गुलाब सिंह के घर पर हुई रेड को लेकर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा। 23 मार्च से आज 5 अप्रैल हो गया, इलेक्शन कमीशन ने हमें मिलने का टाइम नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है तो 12 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन नोटिस भी भेजती है। नोटिस भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट भी करती है, खबर भी चलवाती है। आम आदमी पार्टी का ऑफिस सील हुआ। 4 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के ऑफिस के चारों ओर बैरिकेड लगे रहे, पुलिस ने सील करके रख दिया। हमने फिर चिट्ठी भेजी, हमने 26 मार्च को चिट्ठी भेजी, इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा। क्या हमने 23 मार्च को चिट्ठी लिखी थी, हम फिर से 26 मार्च को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे पार्टी ऑफिस को सील कर दिया गया है,
हमारे पार्टी के नेता नहीं पहुंच पा रहे, हमारे पार्टी के कैंडिडेट नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने टाइम नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस नहीं दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के इलीगल होर्डिंग्स के बारे में शिकायत भेजी। हमने 29 मार्च को, फिर 1 अप्रैल को, आज फिर से 5 अप्रैल को हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस पर, उनके आपत्तिजनक पोस्टर्स पर, उनके इलीगल होर्डिंग्स पर चिट्ठियां भेजी, लेकिन ना 29 मार्च को, ना 1 अप्रैल को और ना आज इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं भेजा। तो आज ये देश के लिए चिंता का विषय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी है नॉन पार्टिजन होना, जिसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जिसकी जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड देना, आज उस इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहा है। हमने देख लिया कि किस तरह से इस देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो गई हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। लेकिन आज मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहती हूं कि आपको इस देश के संविधान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस देश के संविधान ने आपको इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी दी है। जो आज तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स, चाहे वो राजीव कुमार जी हों, चाहे वो ज्ञानेश कुमार जी हों, चाहे वो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू हों, आप टीएन सेशन जी जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स के उत्तराधिकारी हैं। आप एक ऐसे इलेक्शन कमीशन को आज चला रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है कि भारत जैसे देश में आज तक कभी चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठा। तो आज मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक मत होइए। जिस तरह इतने सालों के बाद भी पूरा देश टीएन सेशन जी को याद करता है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस, एक लेवल प्लेइंग फील्ड को एक नई ऊंचाइयों पे लेके गए, अगर आज राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी और सुखबीर सिंह संधू जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने देंगे, तो सभी गलत कारणों से आप तीनों को पूरा देश याद करेगा, आने वाले 100 साल तक याद करेगा। थैंक यू। देखिए, हम बिल्कुल इस नोटिस का जवाब देंगे और हम इस नोटिस के जवाब में इलेक्शन कमीशन को उनकी न्यूट्रलिटी, उनकी नॉन पार्टिजनशिप की क्या जिम्मेदारी है उसको याद करवाएंगे। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।